हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, बात करेंगे ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत से मेंबर्स की अभी भी क्वेरीज रहती हैं, सर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, बट मेंबर्स अभी भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बाय सेल सिग्नल देख रहे हैं, जहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहा है उसके बाद बाय प्लान कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट गिर रहा है, या सेल सिग्नल देखने के बाद सेल कर रहे हैं तो मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। तो इस तरह से नहीं करना है। मैं रिसेंट भी 9 लाइव्स किया हूँ, ठीक है, 9 लाइव्स किया हूँ मैं, और पूरा 6 आवर्स का लाइव था और पूरा दिन मैं आपके साथ लाइव रहा हूँ। किस तरह से डेटा यूज करना है, किस तरह से आपको ऑप्शन चेन देखना है, कहाँ से डेटा स्टार्ट करना है, उसके बाद किस तरह से डिफरेंस कैलकुलेट होता है, उसके बाद पुट राइटिंग क्या होता है, कॉल राइटिंग क्या होता है, ऑल ओवर चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। रिसेंट हमने 9 लाइव्स किए थे, जिसमें से हमारे 8 लाइव्स जो है बिग प्रॉफिट्स के साथ हमने क्लोज किए हैं, जिसमें ऐसे ट्रेड थे कि 5 रुपए का कॉल जो था वो लगभग 50 का हिट किया। उसके बाद आप देखोगे जो 8 रुपए का कॉल था 135 का हिट किया। मतलब इतना बड़ा मोमेंटम हमने इस तरह के ट्रेड्स भी जो 8 लाइव्स थे उसमें कैच किए। एक लाइव हमारा नेट टू नेट रहा है, कोई लॉस नहीं था, या हल्का फुल्का लॉस में कंसीडर कर सकते हो। जो भी मैंने लाइव्स किए ना, सब में मैंने ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज किया। मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं ये सॉफ्टवेयर यूज करते हुए और मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, लास्ट लाइव जो था मैंने पूरा का पूरा ऑप्शन चेन पे रखा था कि मुझे सिर्फ ये डेटा देख के ट्रेड करना है कि डेटा किस तरह का वर्क कर रहा है। ठीक है, किस तरह से हम देख सकते हैं डेटा में स्ट्रेंथ है या नहीं। ठीक है, किस तरह से आप ये पुट कॉल रेशियो देखोगे, ऑप्शन सिग्नल को कब देखना है और कब कंसिडर करना है, कब इसको अवॉइड करना है। ठीक है, डेटा के अगेंस्ट कब ट्रेड करना है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है कि आपको पता लग जाए कि डेटा किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, जो वो 6 आवर का लाइव था, पूरा दिन में लाइव था और वो एक बड़ा प्रॉफिटेबल डे था हमारे लिए। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो 6 आवर के लाइव में से मैंने निकाल के आपको ये वीडियो में दी है। जितने भी मेंबर्स ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन को किस तरह से देखना है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, ठीक है, किस तरह से ऑप्शन चेन यूज किया जाता है, ओआई क्या रहता है, चेंज इन ओआई क्या रहता है, पुट कॉल रेशियो आप कब देखोगे, कब आप ये बाय सेल सिग्नल को अवॉइड करोगे, किस तरह का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कहां से डेटा स्टार्ट करोगे, ऑल ओवर चीजें हमने उस दिन में डिस्कस की है। तो वो पूरे 6 आवर के लाइव को मैंने कट करके आपके लिए ये एक वीडियो बनाया है। इसको आप पूरा देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मार्केट में किस तरह से ऑप्शन चेन देखा जाता है, ऑप्शन जब वर्क करते हैं उसके बाद मार्केट का रिएक्शन किस तरह का रहता है। ठीक है, मार्केट का मैकेनिज्म समझना है कि ऑप्शन चेन के बेस पे मार्केट किस तरह से मूव करता है। जब आपको ऑप्शन चेन देखना आ जाएगा, उसके बाद मार्केट आपका फेवर कर रहा है, तो किस तरह से आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। इस वाले लाइव में हमने एक 5 रुपए का ट्रेड लिया था जो लगभग 50+ का आटा था। उसके बाद हमने 3 या 4 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से हमारा एक स्टॉप लॉस था 6 पॉइंट का। ठीक है, कुछ ट्रेड्स इसमें होंगे, कुछ ट्रेड्स इसमें नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेड्स देखोगे, आप ये देखोगे कि मैंने ऑप्शन चेन डेटा को किस तरह से देखा है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का डेटा मैंने किस तरह से यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, अगर आप NSE की वेबसाइट देखोगे तो वहां पे मोर देन 40 स्ट्राइक्स आपको मिलते हैं, तो 40 स्ट्राइक्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 टू 12 स्ट्राइक्स मिल जाते हैं जिनको काफी इजी आप ट्रैक कर सकते हो। आपको ध्यान में रहेगा कि किस तरह से कहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो उसके बाद आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस वीडियो से लेके जाओगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका कौन सा कंफ्यूजन जो है इस वीडियो से क्लियर हुआ है। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल एक गैप डाउन है और हम 450 के लगभग कहीं गैप डाउन हुए, 462 पॉइंट का गैप डाउन है। अगर टॉप से आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको कट निफ्टी में देखने को मिला है। तो पहले जो भी मेंबर्स ने कल कैरी फॉरवर्ड पुट लिया था, कुछ प्रॉफिट लेने का प्लान कर लेना, एक बार कुछ प्रॉफिट कैच कर लेना। देन उसके बाद अगर हमें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो तब हम कुछ और प्लान करेंगे। 19,500 ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी अच्छा मोमेंटम है। और जो कल आपने 14 के लगभग लिया था वो आपका डबल हो चुका है, 100% का रिटर्न आपको वहां पे मिल चुका है। 50 फ्यूचर पे कुछ वॉल्यूम जो है बस कैंडल बनेगा 5 मिनट का, देन हम कुछ प्लान कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 33 हो चुका है, अगर किसी ने 14 का लिया होगा तो मोर देन 2x का प्रॉफिट उसको दिख चुका होगा यहाँ। ठीक है, एक रिस्की ट्रेड बनेगा, ये टॉप रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका, ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, एंड 19,500 का पी अभी वेट कर लो थोड़ा सा, एक बार 64.50, 65.10 थोड़ा वेट कर लो। वो हमारा जो एरिया था उसका वहां पे वो सस्टेन नहीं कर रहा है तो पुल बैक ले रहा है, कोई इशू नहीं है, इतना जल्दी नहीं है कोई भी। अगर यहाँ पे ये जो हाई था वो होल्ड कर जाता तो हम फिर से यहाँ पे एक पुट पोजीशन जो है शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो 45,000 ब्रेक हुआ तो चांस है आप जाने के लिए।
बैंक निफ्टी मैंने अभी देखा नहीं है, बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, मोमेंटम हमारा जो रहेगा ना वो थोड़ा सा 45,100 इसके ऊपर हमारे पास क्लैरिटी रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ लॉन्ग किया है इस कैंडल के ऊपर तो अच्छा है, 45,000 के लगभग आपका 45,500 ये टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ये डिसेंट स्विंग है और ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ये दो एरियाज जो है इसके ऊपर निकलेगा तो कुछ लॉन्ग बनेगा हमारा। फिलहाल निफ्टी का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अच्छा खासा पुल बैक लिया है। ठीक है, निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है अगर आप बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का कैंडल देख रहे हो एंड बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा एक्सपायरी प्रेशर रहेगा मार्केट पे। एक बार थोड़ा स्टेबल हो जाने दो मार्केट को, देन हम कुछ प्लान करेंगे। तब तक एक बार डेटा भी देख लेते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, अभी फ्रेश डेटा बना नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मॉर्निंग में, और देखते हैं इस वॉल्यूम के नीचे अगर निकलता है तो रिएक्शन देखने के लिए रहेगा। कि अगर किसी ने मॉर्निंग कैंडल में पैसा डाला है तो अगर वो होल्ड नहीं कर पाएगा प्राइस को तो देन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मीन्स एक सेल ऑफ उसके अगेंस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी ने बेचा है बट बेचने वाले से बड़ा खरीदने वाला है जिसने उसको बाय किया। ठीक है, अगर किसी रिटेलर ने लिया है और बड़े प्लेयर ने बेचा है तो इस वॉल्यूम के नीचे, इस कैंडल के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट करेगा तब। ठीक है, बायर्स अभी स्ट्रांग है और जो मैंने आपको बोला कि ये वॉल्यूम जो बना है ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसका एक बड़ा वॉल्यूम है, इस कैंडल के नीचे निकलना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे नहीं निकलेगा फिर आपको एक साइडवेज मोमेंटम इसी कैंडल में देखने को मिलेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तब तक डेटा देख लेते हैं एक बार, इस तरह का डेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेटा यहाँ पे अभी हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है और आज के दिन में हाईएस्ट राइटिंग अगर हम देखेंगे तो 45,800 पीई पे जो एज अ स्पोर्ट वर्क करेगा, एंड रेजिस्टेंस वाइज अगर आप देखोगे तो 12 लाख का राइटिंग आपका कहाँ पे है, 44,900 पे 12 लाख का क्वान्टिटी जो है वो वहां राइट हुआ है। उसके बाद 45,000 के ऊपर 19 लाख का क्वांटिटी राइट हुआ, बट उसके सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23 लाख का क्वांटिटी आपका 45,900 पे भी राइट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो बड़े क्वांटिटीज हैं जो राइट हुए हैं आपका स्पोर्ट एरिया के फेवर में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है जो पुट साइड में राइट हुए, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को पॉजिटिव ही प्लान करना। और यहाँ पे 19 लाख का एक क्वांटिटी है जो आपका 45,000 पे राइट हुआ है। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी 44,990 के लगभग ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक से ओवर ट्रेड कर रहा है, थोड़े टाइम तक अगर यहाँ पे फिर से हमें अनवाइंडिंग मिल जाता है तो चांसेस रहेंगे कि आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखे। बट अगर यहाँ पे ये ट्रैप होते हैं जिनने अभी राइट किया, यहाँ पे एक बड़ा क्वांटिटी राइट है, अगर ये ट्रैप होते हैं तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्राइक्स को भी आपको रडार पे रखना है। ठीक है, अभी निफ्टी पे देख लेते हैं एक बार, निफ्टी में हाईएस्ट राइटिंग कौन से एरिया पे हुआ है, 44,19,400 पे 44 लाख क्वांटिटी जो है राइट हुआ है। 37 लाख राइट हुआ है हमारा कहाँ पे, 19,450 पे, बड़ा राइटिंग है। और यहाँ पे 38 लाख राइट हुआ है हमारा 19,500 पे, वो भी एक बड़ा राइटिंग है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो बैंक सॉरी निफ्टी पे 19,500 पे 53 लाख क्वांटिटी राइट हुआ है जो एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करने का। किसी को छोटा सा कुछ रिस्क प्लान करना है, 19 के लगभग का स्टॉप लॉस डाल लो इसका 19,550 के सीई का। ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 19 के लगभग इसका स्टॉप लॉस रहेगा और क्वांटिटी थोड़ा कम रखना। ठीक है, और ओवर क्वांटिटी ट्रेड मत करना है। ठीक है, 19,550 सी। ओके, डेटा देखते हैं। डेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे 60 लाख का राइटिंग है और 19,500 पे आज के दिन में जो राइट हुआ है वो तो टोटल डेटा अगर आप देखोगे तो 1,40,00,000 का हाईएस्ट हुआ है हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे 74 लाख का राइटिंग हुआ है आज के दिन में। ठीक है, 74 लाख के लगभग का राइटिंग है और 1,48,00,000 के लगभग का हाईएस्ट हुआ है हमारा 19,400 पे। उसके बाद 50 लाख का राइटिंग आज ही हुआ है यहाँ पे 19,450 पे, 1,18,00,000 के लगभग का राइटिंग यहाँ पे है। उसके बाद 60 लाख के लगभग का राइटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है और 1,40,00,000 का हुआ है आपको 19,500 पे दिख रहा है। मीन आज के दिन का यहाँ पे आप तीन स्ट्राइक्स देखोगे तो इतना राइटिंग होगा और सामने के तीन स्ट्राइक्स देखोगे तो 18 लाख
19 लाख एंड 70 लाख प्लस, ठीक है, 19,500 पे 70 लाख के प्लस का राइटिंग आपको दिख रहा है। और उसके बाद 19 लाख का राइटिंग यहाँ पे 19,450, इसके कंपैरिजन में देखोगे तो कुछ भी नहीं है। 18 लाख का राइटिंग 19,474 लाख के कंपैरिजन में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेजर राइटिंग यहाँ पे 19,400 पे हुआ, उसके बाद 500 एंड 550 पे आपको यहाँ पे कुछ राइटिंग दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे 550 तो हाई है, मतलब एक छोटा मोटा राइटिंग इतना तो चलता रहेगा 10 लाख के लगभग का, मतलब मेजर राइटिंग हमारा यहाँ पे 19,500 पे रेजिस्टेंस है। अगर मूव करता है तो मार्केट ऊपर मूव करेगा, बट यहाँ पे पुट साइड काफी अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 30 लाख, 35 लाख एंड 18 लाख के लगभग का राइटिंग आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, जिसमें हाईएस्ट हुआ है आपका 45,800 रहेगा। यहाँ पे 55 लाख के लगभग का राइटिंग आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे 17 लाख, 10 लाख एंड 3 लाख के लगभग का राइटिंग है, और यहाँ पे उतना बड़ा राइटिंग नहीं है। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये साइड आपको थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है जो पुट राइटिंग का है, तो इसलिए आपका डेटा पॉजिटिव में दिख रहा है। नाइस, वेरी गुड मूव, ओके। यहाँ पे आपका 23 का जो हमने लिया था उसका 33 का तो हाई, 36 तक का हाई लग चुका है, और 1:2 से अच्छा प्रॉफिट आपको दिख चुका है यहाँ, ठीक है। ट्रेल नहीं कर पाएंगे स्टॉप लॉस, अगर किसी के पास क्वांटिटी है तो वो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता है। ट्रेलिंग का अभी नहीं बन रहा है यहाँ, ट्रेल करने के लिए तो मतलब नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हमें अच्छा खासा मूव वहां पे देखने को मिला है, ठीक है। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, उसके सामने आपको 13 पॉइंट मिले, तो बढ़िया है, ठीक है। पर्लोट आपका 600 बन रहा है, तो उसको बस वही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए आपको पर्लोट पे 5,000, 10,000 ये बनाना है। आपको एक कंसिस्टेंसी, एक स्पेसिफिक अमाउंट प्लान करना है कि मुझे पर्लोट पे इतना बनना चाहिए। थोड़ा सा अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा ओवर बैटल हो जाए। यहाँ पे एक बड़ा राइटिंग दिख रहा है, इसमें कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, बट जो कॉल साइड है वो कॉल साइड ही रहना विद सेम स्टॉप लॉस, कुछ प्रॉफिट ऊपर बुक कर लेना। स्टॉप लॉस हमारा 3-4 पॉइंट का है, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा 19,500 पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग और देखने को मिल जाता है 10 लाख के लगभग का, तो फिर ये हमारा ट्रेड जो है ये कल की तरह फिर से अच्छा मूव कर सकता है। 10 लाख के लगभग का राइटिंग यहाँ पे 69 है, और अगर यही थोड़ा सा और अनवाइंड हो जाता है यहाँ पे 59 की रेंज में चला जाता है, तो यहाँ पे लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 19,500 पे आ चुका, और यहाँ का जो हाईएस्ट हुआ था हमारा 19,500 का वो स्विच हुआ है 19,600, ठीक है। ये भी मार्केट के लिए अच्छा है, का मतलब ये है कि पहले आपका हाईएस्ट हुआ है यहाँ पे था वो स्विच हो गया यहाँ पे, और जो आपका पहले यहाँ पे 400 पे था वो स्विच हो गया आपका 500 पे, मींस सपोर्ट एरिया ऊपर स्विच हो रहा है और रेजिस्टेंस एरिया और ऊपर स्विच, वो भी बेटर है मार्केट के लिए अगर आप लॉन्ग साइड प्लान कर, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट साइड प्लान कर रहा है तो उसके लिए अभी वो बेटर नहीं है, ठीक है। अगर मैं कुछ डेटा देख रहा था, ये कैंडल को फिर से इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो भी बुल्स है इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो हॉल्ट कर पाएंगे, अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करेंगे फिर ट्रैप हो जाएगा। नहीं, डेटा अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, डेटा नेगेटिव देखो यहाँ पे डेटा में बाय सेल सिग्नल आना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी कॉल या कहीं भी पुट लो, ठीक है। इसका आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए टेक्निकल के साथ, ठीक है। अब ये एरिया थोड़ा सा इसने गलत क्लोज किया है, स्टॉप लॉस तो हमारा वैसे छोटे वाला ट्रिगर हुआ होगा, 19 वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस यूज कर रहा है तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना ईजी आप ऊपर जाने देंगे, थोड़ा सा पुल बैक में कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाता है तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से री एंट्री मिलेगा टाइम तो जरूर हम उसमें री एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट जाने देना, अगर फिर से 23 की रेंज तक आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे बुक प्लान। ये लेवल देखना अभी कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके ऊपर क्लोज करेंगे ये वैल्यू नहीं रहेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, अब इनको क्लोज करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। 19,523 के ऊपर क्लोज आएगा तब बात बने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया को हम यहाँ पे स्विच कर लेंगे फिलहाल, और ये जो सपोर्ट एरिया था पहला डिलीट कर, 19 के लगभग आ चुका है। इसमें से अगर आपको लगता है कि मुझे छोटा मोटा लॉस बुक करना है तो आप कर सकते हो, 2-3 रुपए का लॉस है, कुछ बड़ा नहीं है, बट अगर रिवर्स हो जाएगा यहाँ से प्राइस तो फिर वो बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सेम एरिया भी हमने मार्क किया है कि लगभग से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब रिजेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए कि सपोर्ट मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कैसे मार्क, क्योंकि नीचे सपोर्ट एरिया आपका ये रहने वाला है, ये वाला जो बॉटम एरिया के लिए हमारा एक ये बना है एरिया, एंड ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, तो थोड़ा सा इसके बीच में ऐसे घूमता रहे, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा वैलन को, या अगर ब्रेकआउट करेगा फिर हम ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड देखेंगे।
यहाँ पे अगर मिड में कहीं कॉल ले लेंगे तो फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से रिवर्स हो सकता है, फिर मतलब नहीं रहेगा। अभी थोड़ा दोनों साइड कंसोलिडेशन चल रहे हैं, तो ठीक है जो स्ट्रक्चर था वो बायर्स के हाथ में से अभी निकला है, थोड़ा सा सेलर्स के हाथ में गया। अब सेलर्स कहाँ तक जो है ये एरिया तक डिफेंड करेंगे, और ये एरिया अगर निकल जाता है फिर से स्ट्रक्चर सेलर्स के हाथ से बायर्स के हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का मोमेंटम चलना चाहिए, उसके बाद ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो उसके बाद एक मोमेंटम फिर से मिलेगा। ठीक है, आपको सेलर का एरिया मैंने क्या बताया कहाँ तक है, यहाँ तक कहीं भी डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडल ट्राई किया है, और पुट का प्रीमियम भी आप देखो तो काफी तेजी से मूव किया है, और 47 से 63। ठीक है, अभी ये हाई इंपॉर्टेंट है और ये लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से कौन विन करता है, डेटा में यहाँ 71 लाख के लगभग का, और यहाँ पे वाओ 1 करोड़ से भी ज्यादा का राइटिंग हो चुका है 19,500 के सीई पे। तो ये एक बेरिश साइन मान के चल सकते हो आप, एक बेरिश पैटर्न भी दिख रहा है। पैटर्न कहाँ फेलियर होगा वो हमने डिस्कस किया इस एरिया के ऊपर। ठीक है, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलेगा तो ये पैटर्न फेलियर नहीं होगा। ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया ना, ये मान के चलो सेलर्स का नेकलाइन है, ठीक है छोटे वाला नेकलाइन, अगर ये इसके ऊपर निकलता तो सेलर्स तो फिर भी ट्राई करते ऊपर तक, बट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनता। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये एरिया मार्क किया सेम टाइम पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, इन सेलर यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं और नीचे लेके आने का, इसको मैं नीचे लेके जाना है, और यहाँ पे हम बेरिश प्लान कर रहे थे, एम पैटर्न बना है, वो डिफेंड कहाँ तक करेंगे 515 जो आज का हाई बना है उस एरिया तक सेलर्स ट्राई करेंगे फिर से नीचे लेके आने का। और अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है ये सब, ये स्पोर्ट एरिया काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फिर से आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्शंस में जो हाई एंड लो मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर निकलेगा तो फ्लो रहेगा, अगर उसके बीच में ही रहता है तो कंसोलिडेशन रहेगा फर्स्ट हाफ में आप। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको पता रहना चाहिए कि मेरा कितना स्टॉप लॉस मैं देने वाला, और चार्ट में जितना डीप जाओगे ना आपको सारी चीजें ईजी दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चार्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल्स का नेकलाइन है, ये है, मतलब मैं इस चार्ट के अंदर हूँ। ठीक है, और अंदर क्या चल रहा है अभी, किसके माइंड में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का ट्राई करना। ठीक है, 100% तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, एसएल तो मार्केट में रहते हैं, बट थोड़ा सा ट्राई करना है। डेटा भी सेम ही होगा, डेटा में कुछ चेंज नहीं आएगा जल्दी से। बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, और निफ्टी का जो डेटा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डेटा पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, डेटा कहाँ तक ट्राई करेगा पॉजिटिव रहने का, ये लो। ठीक है, ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर डेटा का जो स्ट्रक्चर रहेगा हो सकता है वो भी बदल जाए, बट हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारा एक रेंज रहने वाला है, और कब तक रहेगा कोई पता नहीं। ठीक है, मेजर स्टॉप लॉस ही सबके इस लो के नीचे, और वो मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था फ्यूचर चार्ट पे, ये एक बड़ा वॉल्यूम बना है और इस बड़े वॉल्यूम के नीचे मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर थोड़ा सा लोग और देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेटा को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, बट लोग वो एंगल से डेटा नहीं देखते। ठीक है, डेटा है, डेटा में इतना नहीं आपको यहाँ पे बाय दिख रहा है, आप डायरेक्ट कहीं बाय कर लो, यहाँ सेल दिख रहा है सेल कर लो, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना मॉर्निंग में राइट होना था जो हो गया, ठीक है, दोनों साइड राइट हो गया, डेटा यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, लगभग 40-46 लाख के लगभग का डेटा था वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अब जो डेटा न्यू राइट होगा ना वो फ्लो से राइट नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे एक डेटा कटना स्टार्ट होगा, यहाँ धीरे धीरे डेटा बढ़ रहा है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़े टाइम के बाद डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस पे फोकस करना है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं 54 लाख, 46 लाख, 34 लाख, 39 लाख, 16 लाख, तो इस तरह डेटा कम हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेंथ अपना लूज हो रहा है। अगर ग्रीन में ये बढ़ रहा होता जैसे 16 लाख है, उसके बाद हो जाता अपना 34 लाख, 46, 54, इस तरह से डेटा में इंक्रीज आता तो मान के चलते तो ये स्ट्रेंथ बन रहा है, बट यहाँ पे डेटा रिड्यूस कर रहा है अपना, जो यहाँ पे डिफरेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है, मीन स्ट्रेंथ कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 46 लाख का 55 लाख हुआ, वहां से 38 लाख हुआ, डिफरेंस कम हुआ, 1 लाख के लगभग का ये पॉजिटिव था, उसके बाद 26 लाख माइनस, 29 लाख माइनस, ये अब जो सेलर्स का है ये यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है सेलर्स का। ठीक है, 41 लाख, 47 लाख, तो इस तरह से डिफरेंस जो है वो डिफरेंस माइनस में ज्यादा हो रहा है या ग्रीन में ज्यादा होगा वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, अगर माइनस में ज्यादा हो रहा है तो वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
अगर माइनस में 45, 47 का 30 हो जाता है, 30 के 15 होता है, 15 से 10 होता है, इस तरह से हो रहा है तो डेटा का स्ट्रेंथ लूज हो रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद उसका आपको रेड में आ जाए डेटा, क्योंकि राइटिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, डिफरेंस को देखना है और ये बाय सेल को नहीं देखना है। इसको तो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इसको नहीं देखना है। पीसीआर को भी यहाँ उतना फोकस नहीं करना है, यहाँ डिफरेंस देखना है। वो यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये भी देख सकते हो आप। कॉल इससे पहले का कॉल राइटिंग कितना था, 80 लाख, अभी 3 करोड़ 90 लाख हो चुका है। पहले 3 करोड़ 70 लाख था, 3 करोड़ 50 लाख था। उसके बाद यहाँ पुट का देखोगे आप तो 4 करोड़, उसके बाद 4 करोड़ 80 लाख के लगभग का, सॉरी 4 करोड़ 18 लाख 20 लाख था, फिर 4 करोड़ 13 लाख हो गया, कम हुआ, फिर 4 20 हुआ, फिर 4 करोड़ के लगभग आ गया। तो इस तरह से कम हो रहा है, तो ये चीजें देखनी है। और यहाँ पे नहीं देखना है ये, इसको तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर होता तो मैंने तो ये निकाल ही दिए होते। इसको ऑप्शन चेंज थोड़ा सा समझ में आएगा ना, वो ये ग्राफ को देखेगा, ऊपर वाले ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको एक क्लैरिटी है, कम स्ट्राइक्स हैं आपका, जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे डेटा अभी कुछ दिख रहा है, बट थोड़े टाइम के बाद डेटा चेंज हो सकता है। यहाँ पे डेटा, ये डिफरेंस देखना है आपको, डिफरेंस किस तरह का रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी भी उनके फेवर में है मार्केट, में कह रहा हूँ यहाँ पे 19,527 ये रेंज तक भी मार्केट उनके एरिया में है। बट इसके ऊपर अगर निकल गया या ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट उनके फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है, 69 लाख के लगभग का राइटिंग यहाँ हुआ है, 19,400 फिर से आपका पोर्ट एरिया नीचे स्विच हुआ है यहाँ। ठीक है, 19,400 पे, एंड रेजिस्टेंस एरिया आपका सेम वहां पे ही है, 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का राइटिंग है आपका। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में, तो केयरफुल भी रहना। ठीक है, अभी मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, मार्केट सेम उसी लो और उसी हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे जो चीज हमने फ्यूचर चार्ट पे डिस्कस की थी, एक कैंडल का हाई, उसी कैंडल का लो, उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये बॉटम है, ये टॉप है, अब देख लो मार्केट गया कहीं। ये ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। ठीक है, 19,400 हाईएस्ट हुआ इन पुट्स, जो स्पोर्ट वर्क करेगा, 1 करोड़ 85 लाख का डेटा, एंड 19,600 2 करोड़ 13 लाख का डेटा इन कॉल्स, जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो 19,500 पे फाइट है, 1 करोड़ 50 लाख के, 1 करोड़ 60 लाख के लगभग का डेटा पुट में है, 1 करोड़ 90 लाख के लगभग का डेटा आपका कॉल्स में है। तो ये एरिया फाइटिंग एरिया और वही फाइट चल रही है। ठीक है, तो उसी के चक्कर में कंसोलिडेशन आ रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो बेरिश मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो सेलर्स काफी एक्टिव हैं यहाँ पे। ठीक है, बुलिश के मार्केट में मुझे एक ही चीज थोड़ी डिफरेंट लगी, जो फ्यूचर चार्ट पे एक वॉल्यूम बना है। ठीक है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखते हैं फाइनल क्या मोमेंटम बनता है हमारा। आज लग रहा है कि कंसोलिडेट हो, कल शायद मूव मिलेगा। हाँ, मूव तो मिलेगा भाई, मूव तो आज भी मिलेगा। मूव तो ऐसा नहीं है कि मूव नहीं मिलेगा, मूव तो आज भी मिलेगा। ठीक है, कंसोलिडेट जितना कंसोलिडेट होगा, बहुत बड़ा डेटा बन रहा है यहाँ पे, दोनों साइड पे एक बड़ा राइटिंग है, 2-2 करोड़ का राइटिंग है। तो जहाँ मार्केट निकल जाएगा ना, तो फिर वो बढ़िया मूव निकलेगा वहाँ, जो साइड पे मार्केट निकलेगा। ठीक है, डेटा सेम ही है, अभी कोई स्ट्रक्चर ज्यादा बदला नहीं है, डेटा चल रहा है 73 से। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दो, जो इम्पोर्टेंट भी है। अगर थोड़ा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव हमें एक किसी ना किसी साइड देखने को मिलेगा। एक अच्छा मोमेंटम फिलहाल 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छा क्लोजिंग रहेगा ये, अगर 1250 वाला कैंडल नीचे क्लोज करता है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीक करना स्टार्ट किया है, ये स्ट्राइक्स आप देखोगे तो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बड़ा राइटिंग था, अभी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। 64 लाख एंड 77 लाख के लगभग का राइटिंग यहाँ, 1 करोड़ 28 लाख का राइटिंग 19,500 पर हुआ है। वो एरिया काफी अच्छे से अदर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये धीरे धीरे अपना जो स्ट्रेंथ था वो लूज कर रहे हैं। डेटा में अभी रिसेंट कुछ डिप में आपको 95 लाख के लगभग डिफरेंस दिखा था, और यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस अभी कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक आधा लॉट आप 19,350 का पी ले लेना, अगर 6 रुपीज के लगभग मिलता है, 5 रुपए 80 पैसे के लगभग आ जाता है। अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो वो 5-6 वाला भी 10-15-20 के लगभग आपको बिक जाएगा। फिलहाल अभी ये एरिया के नीचे अगर क्लोज कर देगा ना, तो फिर क्लोजिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगा निफ्टी। फिर जिस तरह का क्वांटिटी है ना, तो मुझे लग रहा है अगर बंद आएगा ना, तो फिर थोड़ा सा बड़ा फोन आना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करो, फिर से कूल डाउन होने दो प्राइस को। फिर भी आपको लग रहा है मुझे बहुत छोटा रिस्क लेना है, तो 19,400 का प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिस्काउंट पे प्लान करो।
उससे भी छोटा इस प्लान कर रहे हो तो क्वांटिटी कम रखना, 19,350 का फी, 8 रुपए के लगभग प्लान करना। हमने 5 रुपए 90 पैसे 6 रुपए के लगभग कुछ डिस्कस किया था, वहां से तो 8-9 रुपए प्लस हो चुके। हाँ होल्ड करो, कितना है जाने को, तो 8 रुपए जाएंगे 6 रुपए जाएंगे, ज्यादा ज्यादा आएंगे कितने ये पता नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी अच्छी खासी है तो फिर ऊपर थोड़ा सा बुक कर लेना, बट कुछ क्वांटिटी रखना। फिर जो राइटिंग हुआ है अगर वो अनवाइंड होगा तो बहुत बुरा पिटेंगे। 9 रुपए के ऊपर चल रहा है, 3-4 रुपए तो वैसे भी दिख चुके हैं आपको इसमें। 64L हो चुका है 67 का, 73 हो चुका है, ये भी 79 था। 1 करोड़ 20 लाख, 400 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। दोनों स्ट्राइक्स पे ध्यान रखना और आपका ऑप्शन 10+ हो चुका है, देखते हैं कहाँ जाएगा। कुछ क्वांटिटी रखना, ठीक है। डेटा में अच्छा खासा अनवाइंडिंग है और डेटा स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव में टर्न हुआ है, 47 लाख, 35 लाख, और अच्छा खासा अनवाइंडिंग लास्ट के 5 मिनट में हमें देखने को मिला। 12.50 के लगभग का आपका उसका हाई लग चुका है, ये ऑप्शन आपका लगभग 94.85 का हाई लगा चुका है, ये आ गया 13 का, ये 95 का, ठीक है। ये भी डबल हो चुका है और ये भी डबल, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ये है हमारा 2x पावर प्लान, 30 लाख का डेटा नेगेटिव में आ चुका है। और 400 पे रिएक्शन देख लेना, अगर कोई रिवर्सल साइन मिलेगा ना तो पूरा बुक कर लेना, नहीं तो होल्ड करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर 3 करोड़ का नेगेटिव डेटा है, ठीक है। और ये एरिया जो मैं आपको मार्क करके दिया था, ये सारे का सारा एरिया आपको फेयर कट नेगेटिव में आता दिखा, मीन्स पॉजिटिव। 1-1 करोड़ 80 लाख 70 लाख का राइटिंग था, वो सारा जो राइटिंग था वो कन्वर्ट हो गया शॉर्ट कवरिंग, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग। 19,300 एक बड़ा स्पूट है, वाई आपका ये वाई भी देख लेते हैं 19,300 पे क्या है। हाँ हाइएस्ट वाई यहाँ स्विच हुआ है, 1 करोड़ 44 लाख के लगभग का वाई, ठीक है। वाई है, वाई तो पहले हमारा यहाँ पे 19,500 भी था, फिर 400 आया, 400 से 300 आया, तो स्पोर्ट नीचे स्विच हो रहा है। तो जैसे जैसे स्पोर्ट नीचे स्विच होता है तो सेलर्स भी ट्राई करते हैं कि फिर से इसको पुश करें थोड़ा और नीचे। PCR क्या शो कर रहा है सर? PCR सब सेम शो कर रहा है जो हमने डिस्कस किया था, और मैं आपके जो 5 मिनट का ब्रेक लिया था, 3 स्ट्राइक्स में आपको देखे गया था, उनको टैग करना था। और PCR कैसे देखो, आपका कुछ लोगों का यही है, मॉर्निंग से ये बाय दिख रहा था तो बाय, और मैं आपको तब भी कह रहा था बाय कर रहे हो, क्वांटिटी कम रख के प्लान करना, बेरिश एक साइन हमारे पास है, लेकिन सेलर ऊपर तक ट्राई करेंगे मार्केट को अपने फेवर में लाने का। और दूसरा मैंने 2 चीजें आपको बोली थी, मार्केट के लिए अच्छा क्या है, मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम जो बना है फ्यूचर में वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा कैंडल है। लेकिन बेरिश क्या है, 19,500 पे 1 करोड़ से ज्यादा का कॉल राइटिंग है, वो मेरे लिए बेरिश है। तो थोड़ा देर वेट करो, मार्केट जैसे ही बना, और मार्केट के फर्स्ट टिक में ही मैंने आपको पुट दे दिया था, और वो 5 रुपए का पुट दिया था, 40 का हाई लगाया, और 5 का पुट कोई भी ले सकता है, 250 का लॉट था, सॉरी मैक्स लॉस आपका 250 था, 250। और इसके सामने आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 250 के सामने आपको कितना प्रॉफिट बना, लगभग 2000, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करोगे तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। सिर्फ ये पता कर लो कि मुझे देने कितने, मार्केट कितना देगा कोई पता नहीं है। हमने मॉर्निंग में ये प्लान किया था कि यहाँ पे हमारे पास देने के लिए कितने हैं, 6 रुपए, मार्केट ने उसका कई गुना हमें बना के दे दिया, 6 से 45 का हाई लगा, और यहाँ पे देने के लिए आपके पास 10 पॉइंट थे, ठीक है। ये 10 रुपए के सामने 50 से 170 का हाई लगा दिया, ये मार्केट ने दिए, हमने फाइट करके तो लिए नहीं है, ठीक है। तो मार्केट कितना देगा वो मार्केट पे छोड़ो, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा लो, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो तो बन जाएगा, सब कुछ बनेगा। 48 हो चुका है यहाँ पे, अच्छा कोई फ्रेश एंट्री देखता हूँ मैं, बनती है तो मैं बताता हूँ। ये डेटा स्ट्रक्चर 1 करोड़ 70 लाख के लगभग का हुआ है आपका, 19,300 पे, सेम एरिया पे 46,90,000 का हुआ है आपका, सॉरी राइटिंग हुआ है सेम स्ट्राइक पे, ठीक है। और यहाँ पे कल के दिन 3 लाख का राइटिंग था, आज यहाँ पे 46,90,000 आज के दिन में राइट हुआ है, तो बड़ा राइटिंग यहाँ पे भी देखते हैं। ये कल के दिन में तो काफी ऊपर के रेट्स पे राइट हुआ होगा, अभी 40 चल रहा है, और यहाँ पे सामने वाला जो स्ट्राइक है वो 20 चल रहा है। 300 का पी अगर कोई प्लान कर रहा है तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 19 के लगभग मिलना चाहिए, 19,000
300 का पी 18-19 ये रेंज में मिल जाता है तो स्टॉप लॉस आपका 11 का रहेगा। इस पे स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, जीरो नहीं रहेगा क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो मतलब नहीं हम यहाँ पे जीरो स्टॉप लॉस नहीं देंगे। ठीक है, फेवर करेगा वेलन को, नहीं करेगा तो फिर स्टॉप लॉस दे के निकलेंगे। ठीक है, न्यू हाई लग चुका है 23.80 का, 24-25। ठीक है, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लो ताकि स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो तो आपका कुछ जाएगा। ठीक है,